हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा, छोटा सा वीडियो होगा ये मैं वीडियो बात कर रहा हूँ BRP पे, विच इज़ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ये एक छोटा सा कार्ड होता है, एक तरीके से ID प्रूफ होता है जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए, जो कहीं से भी आए हैं टू UK। तो उसमें आपको बताया, उसमें होता है कि कब तक ये वीज़ा आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये है, तो BRP इज़ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। तो उसमें भी आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, आप हमेशा आप वहाँ पे बताते हो उनको कि आपको आपका जो BRP है ये कहाँ चाहिए। नॉर्मली ये आपके पहुँचने के, जब भी आप UK में एंटर कर रहे हो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ कई बार, अब आजकल कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जब तक आपका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल, एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, इसको भी इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। और BRP का ऐसा कोई काम ऐसा है भी नहीं, केवल वो एक ID प्रूफ के तौर पे आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी आया है तो भी उतना ज़्यादा पैनिक करना नहीं है, उसका उतना काम पड़ता नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले जब भी BRP के केस में केवल दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है आपका BRP टाइम पे आ गया, दूसरा सिनेरियो है आपका BRP डिले हो गया। तो अगर आपका BRP टाइम पे आ गया, तो आपने जो भी आपने पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट किया है वहाँ पे जाइए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, पोस्ट ऑफिस इंडियन पोस्ट ऑफिस जैसे नहीं होते कि बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है पोस्ट ऑफिस का। वहाँ जाएँ और उनसे वो आपको आपका BRP दे देंगे, जैसे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे वो आपको BRP दे देंगे। उसके बाद दूसरा केस होता है अगर आपका BRP डिले हो गया, जैसे मेरे केस में डिले हुआ। तो अगर आपका डिले भी होता है तो इनकी तरफ से ऑलरेडी आपको एक मेल आ जाएगा कि इतने इतने टाइम तक आप कलेक्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि BRP आपका डिले है। तो जैसे मेरा 4 वीक बताया उन्होंने कि आपका 4 वीक डिले है, तो 4 वीक के बाद ही मैं गया, तो मैं 5th वीक में गया और मुझे मेरा BRP इजीली मिल गया। तो और वो बहुत इजी प्रोसेस है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ठीक है। तो YouTube में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे वो लोग, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, केवल एक पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो बोलते हैं कि जहां आप रह रहे हो और जो आपका करेंट का मोबाइल नंबर है, UK का मोबाइल नंबर है, वो आप आराम से गेट कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं ओनली, ठीक है। तो बस आपको एड्रेस देना है, उनको लिखना है, और आपको मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है, प्लस आप अपने लास्ट में आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर BRP, ठीक है। तो इतना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।